खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य के सतना जिला में एक युवक का आशिक मिजाजी के खामियाजा अपन जान दे के चुकाए पड़ा। बता दी कि चचेरा भाई के पत्नी में गलत नियत रखे के कारण युवक के पत्थर पटक के जान ले गए। सतना पुलिस के द्वारा यह पूरे अंधे हत्याकांड के खुलासा किया गया है। हालांकि आरोपी के द्वारा ये पूरे हत्याकांड का दुर्घटना के तौर में दिखावे के पूरी कोशिश की गए, बावजूद के आरोपी धराए चुके हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचेश सवेजन इनका प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता रही कि आसिक मिजाजी में सतना जिला में एक किसान की जान चली गई। चचेरे भाई के पत्नी के ऊपर गलत नियत रखे के कारण पूरी वारदात सामने आई है। बता दी कि चचेरा भाई के द्वारा साथिन के संगे मिलके युवक की हत्या कर दी गए और मौत का हादसा दिखावे खातिर शव के लगे करंट के तार फेंक दिए गए। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा घटनाक्रम के खुलासा होगा। बता दें कि अंधे हत्याकांड का अंजाम दे वाले चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सतना के अमर पाटन थाना क्षेत्र के खेरिया कोठार में पंप हाउस में 20 जनवरी का किसान बता दी कि ललन सिंह उम्र 38 साल पिता स्वर्गीय लोकनाथ सिंह के हत्या के खुलासा सतना पुलिस के द्वारा कीनगा। पुलिस के द्वारा ये मामले में मृतक के चचेरा भाई घनश्याम सिंह उम्र 29 साल, भूपेंद्र सिंह उम्र 39 साल, लखन विश्वकर्मा उर्फ रामजी विश्वकर्मा और अभयराज उर्फ ललवा पिता इंद्रलाल उम्र 46 साल निवासी खेरिया कोठार अमर पाटन का गिरफ्तार कीनगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतना पुलिस के द्वारा पूरे अंधे हत्याकांड के खुलासा कीनगा, जहां एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार जैन के द्वारा बतावागा कि ललन सिंह की हत्या गंदी नियत और रंग मिजाजी के दुष्परिणाम रही। खुद बाल बच्चेदार रहा, बावजूद के महिलन कलई के ख्याल जो रहे युवक के अच्छे नहीं रहे और निगाह जो है हमेशा दूसर के औरतन में रखी जात रही, और यही कारण बताए दे कि मृतक अपने चचेरे भाई के पत्नी में घलाए डोरे डालत रहा। जानकारी बता दे कि चचेरा भाई का हुई है और ऐसे माँ चचेरा भाई के द्वारा युवक का रास्ता से हटावे की योजना बनाई गई। 19-20 जनवरी के दरमियानी रात भारत तिवारी के पैपखरा स्थित खेत में बने पंप हाउस में युवक कले के पहुंच गए, जहां मृतक किसान रखवाली करे खातिर पहुंचा रहा। बताया गई कि आरोपी के द्वारा सोवे के दौरान किसान के ऊपर जानलेवा हमला कर दिन का, और एक ही बाद बता दी कि घटना में किसान के मौके में मौत हो गई, जिसके बाद युवकन के द्वारा ये हत्या का हादसा बनावे की कोशिश की गए। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माँ बता दी कि पूरा खुलासा हुईगा और आखिरकार अब चार आरोपी पुलिस के हिरासत में हम। तो सजग रही, सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। एक व्यक्ति ललन सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसकी सूचना सुबह डायल 100 के माध्यम से पुलिस को दी थी। ललन के परिवार का चचेरा भाई था, उनको इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। इनके परिवार के ऊपर जो है इसने नजर डाली है विगत समय में, इस बात से लोग आहत थे। तो पहले से योजना बनाई गई थी? हाँ, योजना बनाई गई थी, इसको अब निपटाया जाना चाहिए। तो उसी योजना के मुताबिक ये लोग पंप हाउस में पहुंचे रात में 19-20 तारीख के दरमियानी रात में, और देखा कि सो रहे थे वो लोग, मतलब सो रहा था उस समय। तो दो व्यक्ति बाहर रखवाली भी रुके और दो व्यक्ति अंदर गए और दोनों ने एक पटक कर सिर पर और चेहरे पर घाव पहुंचाकर, और बाद में सीन को गलत तरीके से क्रिएट किया गया। पंप हाउस का एक तार निकाल कर उसके उसमें लगाया गया, ताकि ऐसा लगे कि इसको करंट लग के मौत हुई है। तो और आ गए चलते यार, वैसे होना तो इनका ही है। काश डैड की बात मानकर अरीना एनिमेशन ज्वाइन किया होता। इसीलिए बाप बाप होता है। चल अरीना एनिमेशन से स्किल लोगे तो डिमांड में रहोगे। कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू ऑल आर हायर्ड। अरीना एनिमेशन, डिमांड में रहोगे।